समस्तीपुर जिले में एक स्वर्ण व्यवसायी और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या मामले में मृतक के परिजनों से मिलने समस्तीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन 2 की सरकार बनते ही अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार जिस जंगल राज से मुक्त होकर जहां से चला था, आज नीतीश कुमार ने उसे वहीं पहुंचा दिया। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बिहार में खुलकर गुंडा राज स्थापित करने के लिए भय और दहशत का वातावरण बनाना चाहते हैं। और अपने को धर्म निरपेक्षता का चोला पहन कर क्या साबित करना चाहते हैं? पूरी जांच कराइए और ऐसे लोग को सजा दीजिए, दोषी लोग को पकड़िए और अपराध का मनोबल बढ़ाइएगा तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपकी सरकार भी चली जाएगी। यही बिहार है कि हम लोग पूरे जंगल राज को समाप्त किए हैं और इस गुंडा राज को भी समाप्त करेंगे और गुंडा राज को कतई नहीं स्थापित होने देंगे। इसके लिए जो भी परिणाम झेलना है सब झेलने के लिए तैयार है। माँ भारती के संतान कभी भी नहीं डरता है। और आप अगर जो सत्ता के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं तो ऐसी भ्रष्ट सत्ता को हटाकर हम लोग फिर से एक नए शासन की व्यवस्था बनाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी है इसी समस्तीपुर की धरती से। उप मुख्यमंत्री होते हुए ठंडा कर देने की बात की, वो तो गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। गुंडा राज स्थापित नहीं होगा, नेचर सिग्नेचर बदलता है क्या? आप शालीनता से शासन करें, हमने तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का आपको आश्वासन दिए हैं। देशवा न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।